बहुत बढ़िया रैगनार, कैसे? बहुत बढ़िया। हेलो, ये जो नेक को फोल्ड करके जो स्टाइल से पोज मारता है ना हस्की, बहुत क्यूट लगता है एकदम। ऐसे ऐसे नहीं, ये विंड चैम का ये बहुत बढ़िया इसका धुन निकल रहा है, लेकिन हाँ मतलब अलग ही ट्यूनिंग निकल रही है इसकी एकदम। लग रहा है कोई बजा रहा है ये। तो बहुत अच्छा मौसम हो गया गाइस, देख रहे हो क्या नजारा है उधर, हमको लगता है सनसेट होता है। देखो ये ज्यादा सबसे दुश्मन बन रही थी। अरे वाह, अरे गजब रैगनर। अरे मस्त खेल रहा है लोग। अरे यार बहुत मजा आ गया इसको। अरे तुम भी खेलेगा? वो चुप करने गया है उसको। देखो रैगनर, तुम्हारा क्या ख्याल रखा जा रहा है, तुम्हारे लिए स्पेशली आया एकदम। बॉल में रुको, अभी मार दीजिए ना, नहीं खाएगा नहीं खाएगा। और ये क्या है भैया? ये सर सब्जी बेच रहे सर ने थोड़ा। अच्छा सब्जी इसके लिए ही ना, जो आए लोगों के लिए। देखते हैं खाता है कि नहीं, ट्राई करते हैं। मैंने वेज मिला दिया उसमें रिस्क लेकर के, बहुत मूडी है यार ये ना, बहुत शिद्दत से खाता है। आप कभी भी देखे होंगे, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी मुंह मारता है उसमें खाने में, बहुत आराम आराम से खाएगा, देख रहे हो। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आपको ना, पूरे ट्रैवलिंग में तो सिर्फ एक ही मुद्दा आता है, अब वो है कि डॉग को मैं किस होटल में लेके जाऊँ। शुरुआत में ऐसा था कि मुझे इतना डिफ़िकल्टीज फेस क्रिएट करना पड़ता था, कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, बट अब धीरे धीरे लोग बहुत जानने लगे हैं और मेरे ब्लॉग्स के माध्यम से बहुत लोग समझ भी रहे हैं, तो अब थोड़ा उतना डिफ़िकल्टी नहीं होता। और यहाँ जो इस होटल में आया हूँ, ब्लैक एंड वाइट जो है कैफ़े एंड होम स्टे, मतलब यार अच्छा वाइब्रेशन आपको मिलेगा। यहाँ पे 3-4 कुत्ते हैं और वो स्ट्रे डॉग्स का भी ख्याल रखते हैं। बहुत बढ़िया रैगनार, कैसे? बहुत बढ़िया। आखिर आ ही गए आप, कब पहुंचे आप? मैं तो बहुत पहले पहुंच गया, आप रिस्पांस नहीं देते हो जल्दी। आप इंस्टाग्राम पे भेजा ना? हाँ। अरे वो कॉल करा था मैंने आपको, मेरी घंटी नहीं आई थी? अच्छा मैं उस समय में भी बाइक चला रहा हूँ क्योंकि कॉल किया था कि तब तो पहुंच गया। ओह अच्छा, चलो सॉरी, खुलता ही नहीं मैं इतना ना। और अपने क्यों नहीं लाए मैक्स को, घोस्ट को? मैं स्कूटी से आया था। स्कूटी में नहीं आता वो? नहीं, मेरी स्कूटी में बैठने की जगह नहीं। मेरी स्कूटी में टंकी है पैर के बीच में। अच्छा वो जो नई ली है? हां हां, आजकल तो मजा आ रहा है, स्कूटी चला रहा हूं। पूरी दुनिया ने मुझसे कह दिया ब्रांड मार की नाक मिली थी जी। हां, की नाक मिली थी मैक्स की। और मैं भी फिर से भी आपकी तरह सीटी स्कैन करा दिया, सब कुछ करा दिया। अच्छा आपके साथ भी ये इंसिडेंट हुआ ना? हमको लगता है जब ये मैं किया था ना, तो हमको लगता है कि इतने सारे मैसेज आए थे, सबका सेम केस और सबको रॉन्ग ट्रीटमेंट। वो एक्चुअली दिखता नहीं है ना सीटी में, लीच सही है, पूरा पहचान रहा है ये तो, बहुत मस्त उछलते हुए आया। अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, क्या करेगी ये? रिएक्ट कर रही है क्योंकि आप प्यार कर रहे हो ना उसको। जेलेसी? जेलेसी रैगनर का भी खाना आ गया। अरे बहुत बढ़िया चाव से खाया, वो वेज मिला दिया ना, थोड़ा बहुत छोड़ा वो वेज वाला, बाकी खा गया प्रॉपर, उसको स्मैश किया ना पहले। अच्छा यार, कैसे बैठता है?
कैसे बैठा है मैंने और वाला शॉट है ना आपने हाथ मारे उधर भी हमारी बाइक कर देगी यार मैक्स तो बैठ जाएगा दोस्त का तो कोई गुड मॉर्निंग तो सुबह हो चुका है कितना बजा है टाइम अभी 6:08 तो अब सारे बटालियन रेडी हो गए हैं सारे यूनिट हमारे रेडी हो गए हैं और भी एक यूनिट है वैसे प्लान किया हम लोग को कहाँ जाना है हम चंडाक जा रहे हैं चंडाक तो यहाँ से कितना डिस्टेंस का 2 किलोमीटर चंडाक तो क्या है चंडाक में वो एक्चुअली वहाँ से एक प्रॉपर हाइक है अच्छा पूरा ऊपर माउंटेन टॉप है अच्छा वहाँ से आपको पूरा पिथौरागढ़ दिखता है तो कितना टाइमिंग का वो ट्रेकिंग है वैसे अगर मैं दिखाता ये सामने वाले पहाड़ में जा रहे हैं अच्छा वो सामने वाले पहाड़ में तो गाइस हेलो ये जो नेक को फोल्ड करके जो स्टाइल से पोज मारता है ना हस्की बहुत क्यूट लगता है एकदम ऐसे ऐसे नहीं ऐसे तो गाइज हर दिन मेरा ट्रेक हो रहा है मेरे बॉडी से 1% भी पेन निकला नहीं है कि मतलब हर दिन एक ट्रेकिंग आपको पता ही होगा जो भी ब्लॉग अभी देख रहे हो पहाड़ों के ब्लॉग में सिर्फ ट्रेकिंग ही दिखता है अगर मैं यहाँ पे 1 साल रुक गया तो समझो भाई मेरा तो हालत ऐसा होगा कि कहना नहीं है भैया मैं डेली ट्रेकिंग कर रहा हूँ लेकिन ये बोर नहीं होता है, मतलब सुबह उठ गया कुकू आपका मोबाइल में आवाज सुन लिया ना वो समझ गया कि आप रेडी हो गया आवाज भी पहचान लेता ना एक दिन का भी नहीं होता तो रैगनार चलो कर लिया फ्रेश हो गया आप चलो हम लोग चलते हैं देख रही है क्या हो गया हाय रेगनार हेलो चलिए मलिक बैठिए आइए मलिक सर प्लीज आप से या ओ वाव ओले सोना बच्चा है रेगनार आप तैयार हैं हमें रेडी हूँ हमें रेडी हूँ काली तो भाई लोग सारे लोग हैरियर में सवार हो गए हैं और मेरा रघु भी कम नहीं है BMW में सवार हो गया है हाँ ठीक है फिर वेट दोस्तों जब मैं भारत भ्रमण करता हूँ ना रैगनार के साथ तो सच बताऊँ ना तो मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ हाँ खुशी बहुत मिलती है शांति बहुत मिलती है मज़ा बहुत आता है लेकिन अकेलापन महसूस होता है इस बात का कि बहुत लोग टाउंड करते हैं बहुत लोग से लड़ाई हो जाती है क्योंकि कुत्ता पालना यार आज के डेट में सोसाइटी ऐसी नेगेटिवली देखती है आपको ना कि आप क्या बताऊं बट हाँ जब कुछ इस कदर कोई फैमिली जुड़ती है अपने पेट्स के साथ तो ऐसा लगता है कि बहुत पहले से एक दूसरे को जान रहे हैं और अब आओ कौन आता है देखते हैं हमसे लड़ने के लिए बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों और आप लोग को एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ मैं मिलवाने वाला हूँ आप लोग से द हिमालयन हस्की से आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि पेट लवर जो हो आखिरकार आप लोग पहले से जम कर लिया क्योंकि इसको इसका यही काम है वो पता नहीं कैसे सेंस कर लेता है नई नई जगहों पे कि वहाँ हम पहुँचने वाले हैं और वो जंप कर जाएगा ऐसे वो जंप नहीं करता है लेकिन वो जंप कर जाता है तो यही है गाइज हिमालयन हस्की ये रहे और ये रहा मैक्स सॉरी घोस्ट और ये मैक्स ना मैक्स काफी फुर्तीली है लेकिन ये दोनों मेल है ना अच्छा एक और आ गया ये हेलो हैंसी और रैगनार कहाँ है अरे मिलो यार मेल मिलाप करो रैगनार यहाँ कितने सारे यूनिट तैयार हो गए हैं अभी ये लोग भी उतरने वाले हैं यार डॉग मीटिंग कर देना था जिसके पास भी है डॉग लेके आओ अरे बोल रहा है सबर करो रैगनर तुमको कोई नहीं पूछ रहा है गाड़ी कहाँ पे लगाऊं मैं तो अभी दोस्ती हो जाएगा घोस्ट का इसके भी आंखों से अरे आ गया उतरो अरे अरे यार मतलब ये जो गाड़ी में इतने स्क्रैचेस किया सब इन लोग का करामत है देख रहे हो गाइस गाड़ी में कितने स्क्रैचेस हैं और इसको बोलते हैं प्यार और मेरे भी गाड़ी में काफी मतलब स्क्रैचेस थे अरे वो जा रहा है आपको छोड़ के आईला वो तो बैठ गया सेट हो गया वो पता भी नहीं ट्रैक चालू हो गया और ये इसका दुपट्टा
इसका दुपट्टा तो संभाल लो कोई। ए ए रेगनर कर कर चलो। ए